अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए मैंगो डेजर्ट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके लिए मैंने पैन में जो है वो 1 लीटर मिल्क जो है मतलब 1 किलो जो दूध है वो मैंने रख दिया। और अब इसमें जो है मैं 10 चमचे मैंने इसमें शुगर भी डाल दिए थे, वो मैंने आपको शो नहीं किया लेकिन मैंने इसमें डाल दिए थे। अब जब तक ये इसमें बॉयल आएगा तो मैंने इसी में से मिल्क लिया था थोड़ा ग्लास में, और उसमें मैं अब ऐड करूंगी 4 टेबल स्पून के करीब यानी 4 बड़े चमचे जो है वो मैंगो कस्टर्ड पाउडर के, क्योंकि मैं मैंगो कस्टर्ड बना रही हूँ तो मैं मैंगो कस्टर्ड पाउडर ले रही हूँ। 4 चमचे मैंने डाल दिए हैं और इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है, मतलब कोई लम्स ना रह जाए, बहुत अच्छे से मिक्स करना है और ताकि थिक पेस्ट बन जाए। जब तक जो है मेरा दूध जो है वो बॉयल हो गया था तो इसमें मैं अब फर्दर ऐड कर रही हूँ थोड़ी वेरिएशन के लिए। मेरे पास कलरफुल सेवैयाँ थी तो 2 चमचे जो है 2 बड़े चमचे जो टेबल स्पून होता है वो मैं कलरफुल सेवैयाँ जो है वो इसमें डाल दूंगी और इसको बॉयल होने के लिए रखूंगी कि जब तक के सेवैयाँ जो है वो नरम ना हो जाएं और पक जाए अच्छे से इसके अंदर, और दूध भी अच्छा पक जाएगा उस टाइम तक। ठीक है, पके हुए दूध का कस्टर्ड बहुत अच्छा बनता है। देन मैंने जो है इसमें डाल दिया जो मैंने पहले से बना के रखा था कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर जो दूध में, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको हमें अच्छे से हिलाना है ताकि कोई लम्स ना बने। और जब तक ये थिक नहीं हो जाता मैं इसको पकने के लिए हल्की बिल्कुल स्लो फ्लेम में छोड़ दूंगी। अभी तो ये आहिस्ता आहिस्ता थिक होना स्टार्ट होगा तो इसको अभी मुझे और फर्दर जो है 5 से 6 मिनट तक इसको पकाना है। ठीक है जी, ठीक है। अब ये जो है वो जब तक थिक होगा तो मैं जो है अब बना लूंगी जेली जब तक। और जेली की रेसिपी तो क्या बताऊं, जेली तो सबको बनाने आती है। तो अभी जो है वो मैं 1 कप वाटर की बना रही हूँ, 2 कप की नहीं बना रही हूँ। मेरे पास आधा पैकेट जेली का रखा था तो मैं 1 कप पानी ले रही हूँ और आधा पैकेट जेली डाला, और मेरी यहाँ पे जो है वो मैंगो जेली जो है वो पूरी प्रिपेयर्ड है। ठीक है जी, मतलब पक रही है और यहाँ मेरा कस्टर्ड भी जो है वो पक रहा था साथ साथ, और यहाँ जो है मेरी जेली बिल्कुल रेडी थी। और अब मैं इसको जो है वो प्लेट में निकाल लूंगी ठंडा करने के लिए। ठीक है, प्लेट में निकालने के बाद मैं इसको जो है वो फ्रिज में रख दूंगी ताकि ये अच्छे से कूल हो जाए और जम जाए, मतलब सेट हो जाए। और यहाँ जो है मेरा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल 100% रेडी है। तो अब मैं फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा करने के लिए हमें इसको भी थोड़ी देर के लिए रख देना होगा। ठीक है, जब तक ये ठंडा होगा उसके बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो है वो ली है विप क्रीम का ये डब्बा है तो आप ये ले लीजिएगा। 2 मैंगोज मैंने बड़े थे जिनको चॉप कट कर लिया, और जेली जो मैंने बनाई थी वो ठंडी होके जो है वो अच्छे से जम गई थी तो मैंने क्यूब कट्स कर लिए। और ये व्हाइट चॉकलेट चिप्स है, ये भी मैंने ली थी। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ शो नहीं कर रहा है मैंने, मेरी क्लिप थोड़ी वो आगे पीछे हो गई थी, तो मैंने विप क्रीम जो मैंने आपको दिखाई है तो वो मैंने लेके जो है वो कस्टर्ड में मिक्स कर ली थी अच्छे से। ठीक है जी, ये कस्टर्ड जो आपको बाउल में दिख रहा है इसमें विप क्रीम मैंने अच्छी 4 बड़े चमचे जो है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था, तो कस्टर्ड का टेस्ट बिल्कुल आइसक्रीम वाला फ्लेवर हो गया था। इसकी यही यूनिकनेस है। और बस सर्विंग बोल्स में मैंने जो है वो पहले कस्टर्ड की लेयर कर दी, फिर मैंगोज डाल रही हूँ, मैंगोज के चंक्स जो हैं, और ये लेयरिंग में ही बहुत अच्छा लगता है, और ताकि हर बाइट पे जो है वो आपको हर चीज़ का जो है वो फ्लेवर आए, हर चीज़ का टेस्ट आए। तो जी, मैं आपको दोबारा रिमाइंड करा दूं कि मैंने कस्टर्ड जो बनाया था और जिसको ठंडा करने के लिए रखा था, ठंडा होने के बाद उसमें मैंने विप क्रीम के 4 बड़े चमचे डाले हैं, उसको अच्छे से मिक्स किया है। अच्छा, अब लेयरिंग में मैंगोज के बाद मैं डाल रही हूँ जेली। ठीक है, और अब दोबारा से मैंगो कस्टर्ड की, क्योंकि अगर सिंपल मैंगो कस्टर्ड नहीं था ये, इसमें मुझे यही एडिशन करनी थी, जब भी इसका फ्लेवर जो है वो बिल्कुल आइसक्रीम वाला फ्लेवर आता है तो ज़रूर व्हिप क्रीम को कस्टर्ड में मिक्स कीजिएगा। ठीक है जी, और यहाँ दोबारा से जो है मैं मैंगोज डाल रही हूँ और इसके ऊपर दोबारा से जो है वो मैं जेली डालूंगी। तो भाई यहाँ जो है मेरी लेयरिंग जो है वो कंप्लीट पे है अपनी। आप लोग अगर बड़े बाउल में बना रहे हैं, इस तरह की सर्विंग ग्लासेस में नहीं करेंगे, तो बाउल में भी आप इसी तरह लेयरिंग कर लें, पहले कस्टर्ड की, देन मैंगोज की, देन जेली, फिर दोबारा से कस्टर्ड कर लें, तो वो बहुत अच्छा जो है वो हर बाइट पे फ्लेवर आता है। और यहाँ मैं ऊपर व्हाइट चॉकलेट चिप डाल रही थी, देन मैंने कहा यार मेरे पास ब्लैक चॉकलेट चिप्स भी है तो वो भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हाँ मेरे बच्चों को पसंद है ये चॉकलेट चिप्स, तो वो अट्रैक्शन आती है बच्चों के लिए। और ऊपर से मैंने ऐसी थोड़ा सा जो है वो विप क्रीम ऊपर से गार्निश करती थी, और मोर चॉकलेट चिप्स डाल रही हूँ क्योंकि हानिया जो है वो इतनी पसंद है कि वो चुन चुन के खाती है फिर इस पे से। तो जी, ये है मेरी रेसिपी की फाइनल लुक, और जो है बहुत ज़बरदस्त बनता है। इसको ठंडा बहुत करके खाइएगा, मतलब अच्छा से इसको रेफ्रिजरेट कीजिएगा और फिर खाइएगा, बहुत अच्छा। और यहाँ जो है वो हानिया का होमवर्क जो इनको मिला था वो चल रहा है। गुड, ट्रेस इट प्रॉपरली हानिया। मामा बहुत अच्छा करती है। वेरी गुड।
Which shape is this, Ania? Circle. Good. And which color is this you are holding? Pink. Yes. Pink color beautiful. Pink color is beautiful. Yes. And pink color is your favorite color? Yes. Okay, do it properly. Trace it properly, beta. You pink color is your favorite? Yes. Okay. Trace it properly, trace it properly. Wow! Achha hai na? Finish. मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग के साथ आऊंगी इंशाल्लाह ताला. ओके, अल्लाह हाफिज़.